नमस्कार, मैं सुकृति रॉय आप सभी का स्वागत करती हूँ। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा श्रीदेवी की अचानक मौत से पूरा देश सदमे में है। फिल्मों में उनके बेहतरीन योगदान से न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उनके फैंस हैं। अपनी एक्टिंग के दम पर उन्होंने जहां फिल्म इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल किया, तो वहीं उनके फैशन सेंस ने उन्हें इंडस्ट्री की ट्रेंड सेटर बना दिया। आपको बता दें कि श्रीदेवी ने हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में हाफ साड़ी पहनने का चलन शुरू किया था। यूं तो साउथ में ये चलन पहले से ही था, लेकिन बॉलीवुड में इसे लेकर आई हैं श्रीदेवी। 80 के दशक में राजेश खन्ना और जितेंद्र के ऑपोजिट कई फिल्मों में वो हाफ साड़ी में दिखी। फिर आया अप्सरा लुक ड्रेसेस का चलन। इस तरह की ड्रेसेस श्रीदेवी ने फिल्म हिम्मत वाला में पहनी थी। उसके बाद इस तरह की ड्रेसेस में जयाप्रदा, मीनाक्षी शेषाद्री, पद्मिनी कोल्हापुरी, मंदाकिनी, करिश्मा कपूर और विद्या बालन भी नजर आईं। श्रीदेवी को चांद का टुकड़ा, चांदनी, चंद्रमुखी, हवा हवाई, सरी के नामों से पुकारा जाता था। ये सभी नाम या तो फिल्मों के हैं या फिर उन्हीं के गानों से। श्रीदेवी की फिल्मों में ड्रीम सीक्वेंस में गाना जरूर शूट होता था, जिसमें बहुत सारे प्रॉप्स और डांसर्स के साथ वो डांस किया करती थी। उससे भी बड़ी बात ये है कि श्रीदेवी के हर एक गाने में 4 से 5 बार ड्रेस जरूर बदली जाती थी। यही कारण है कि श्रीदेवी अपने जमाने की इकलौती ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने सबसे ज्यादा कपड़े फिल्मों में पहने थे। फिल्म लम्हे के एक गाने में श्रीदेवी ने 15 अलग अलग एक्ट्रेसेस के गेटअप्स लिए थे, जिनमें रेखा, हेमा मालिनी, नरगिस, मुमताज जैसी कई अभिनेत्रियों के गेटअप शामिल थे। फिल्म नाकाबंदी में श्रीदेवी ने गब्बर सिंह का गेटअप भी लिया था। श्रीदेवी को सफेद रंग काफी पसंद था। साउथ की कई फिल्मों में सफेद साड़ी पहनकर बारिश के गाने पर डांस करना पड़ता था। उसके बाद ये ट्रेंड हिंदी फिल्मों में भी आया। बारिश के कई गाने श्रीदेवी ने किए भी, और इसी तरह से श्रीदेवी बन गई बॉलीवुड की ट्रेंड सेटर एक्ट्रेस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।